हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। पुन्ना भाई, ओके रिपोर्ट है भाई, हम दोनों भाई बढ़िया हैं। फिलहाल हमारा ये डे टू है और अभी हम निकल रहे हैं रेडी होकर कहाँ, उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज जो है अपनी बाइक यूज करने वाले नहीं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे और जो यहाँ की मेन चीजें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहना इस वीडियो में और भाई हो सकता है एक पार्ट हो सकता है दो पार्ट हो, बस बने रहना, लाइक करना वीडियो को, प्यार देना, ठीक है। मिलते हैं आगे। बाइक ये खड़ी हुई दोनों की दोनों, आज यहीं पे पार्क रहने वाली है, ठीक है जी। बाकी हमारा होटल का नाम रहने वाला है कुछ ये वाला, होटल कश्वी, ठीक है जी। तो ये होटल रहने वाला है और फ्रंट साइड का हमारा रूम रहने वाला है। तो होटल काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरा होटल है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जो है ना निकलते हैं बाहर, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे और फिर जाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई नाश्ता ढूंढते ढूंढते ना हम चल रहे हैं और काफ़ी मार्केट वाले एरिया में चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये भीड़ चल रही है, लाइन में होके मतलब फुल मार्च निकाल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का हमें नहीं पता। बट फिलहाल जो है हम लोग देखने जा रहे हैं दिल्ली गेट। बताया कि दिल्ली गेट के पास जो है अच्छे खासे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो हम रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेंगे और नाश्ता भी कर लेंगे अच्छे से और अपना जो है दिल्ली गेट देख लेंगे। तो दिल्ली वाले जा रहे हैं दिल्ली गेट देखने, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे भाई ने कर दिया खर्चा, अब होगी वीडियो में चर्चा। चश्मा बताओ कैसा लग रहा है? मेरे को ठीक ठाक लगा, इस वजह से मैंने ले लिया। तो ये आ गया दिल्ली गेट, जो गेट है ही नहीं यहाँ पे, मतलब इस जंक्शन को बेसिकली दिल्ली गेट बोलते हैं। मैं आप सोच रहा कोई गेट वेट बना होगा, फोटो वोटो कुछ क्लिक कर कराएंगे यार अपन लोग, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं यहाँ पे। दिल्ली गेट जंक्शन को बोलते हैं, जो कि हमारा एक तरह से पोपट कट गया है। फिलहाल नाश्ता वास्ता करते हैं और निकलते हैं सिटी पैलेस के लिए। तो दोस्तों काफ़ी देर हुई घूमते घूमते और ये लगा लो अभी तक मैंने एक चीज़ तो समझ ली अच्छे से कि अपनी जो दिल्ली है ना वो बहुत बेस्ट है। मतलब हर जगह से, मतलब आने को यहाँ पता क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई? समोसे कचौड़ी आलू वड़ा ये मिल रहा है। अबे कुछ और भी खिला दो यार। वो देख लो कितने बड़े बड़े यहाँ पे, देखो मेरे हाथ में अमरूद एक है, मतलब हमने एक लिया है वहाँ पे खाने के लिए। तो ये लगा लो एक अमरूद की जो वो है ना वेट, वो कम से कम है आधा किलो, तो ये लगा लो आप। और इससे बड़े बड़े भी देखो, ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है अमरूद खा रहे हैं भाई। फिलहाल ढंग का तो कुछ मिले ना तो यही खा लें, इसका तो पता है ना कि हम ये ठीक होता है। और फिर इतना बड़ा अमरूद मैंने दिल्ली में तो खाया नहीं, आते हैं लेकिन खाया नहीं। फुल जूसी है भाई, रस वस निकल रहा है तो। इसमें बीज नहीं होगा? अच्छा जी, हाँ तुम तो फिलहाल फ्रूट बेचते थे ना इतने कॉन्फिडेंट क्या बता रहे हो? है भाई इसमें बीज होता नहीं होता? बीज है लो। अरे वो कम होता है यार, तुमने बोला होता नहीं है भाई, इन्हें पता नहीं। मैं खामा खाने बना रहा फ्रूट वाला, रहने तो ये फ्रूट वाले नहीं है भाई। दोस्तों फाइनली अपना ऑटो तो हमें मिल गया भाई, ठीक है जी। सिटी पहले जा रहे हैं और अमरूद खाएंगे, मीठा है मीठा है। तो ऑटो से उतर गए हम लोग, अब जा रहे हैं बाय वॉक सिटी पैलेस में। अब देखते हैं सिटी पैलेस का क्या जो है टिकट चार्ज रहने वाला है पर पर्सन, जैसा भी होगा आपको बताऊंगा मैं। ये आ गई अपनी टिकट, एंट्री टिकट, ठीक है जी। इन्होंने क्या गेम खेली है देखो, जब ये जो सिटी पैलेस है ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए हमें 30 रुपये की टिकट तो ये लेनी पड़ेगी, फिर सिटी पैलेस के अंदर कोई म्यूजियम है उसकी 300 रुपये की लेनी पड़ेगी। ये बड़ा मसला है यार। चलो चलते जो है आपकी चेक करेंगे सर, ये फाड़ देंगे, हो गया वो काम, जाए ठीक है, थैंक यू। तो भाई यहाँ से एंट्री होगी कुछ बाय वॉक आपको जाना होगा, ठीक है जी। और देख सकते हैं आप हमारा सिटी पैलेस, मतलब हमारा क्या, हम सभी का है, हिंदुस्तानी होगा तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये तो हो गया सिटी पैलेस, ठीक है। इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ, म्यूजियम देखूंगा, बट वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो इस वजह से मैं वहाँ के फोटो डालूंगा, ठीक है। बट अभी क्या है, बाहर उतर को दादू, ये जो है यहाँ की बहुत फेमस लेक है पिचोला लेक ना, तो ये पिचोला लेक हो गई। सामने वो जो देख रहे हो आप वो है ताज लेक पैलेस, ठीक है। ताज होटल हो गया एक तरह से है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ भाई, पानी बीच में है, उसका अलग ही हिसाब किताब होगा और काफ़ी महंगा भी हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पे वो है उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग सकती है, मतलब कॉस्टली होगी, ठीक है जी। और उधर की बात करें तो वहाँ पर जो है जग मंदिर है, देख सकते हैं आप जग मंदिर बता रहे हैं वो है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए कैसे करना है, हैं बोट कहाँ मिलेगी? अच्छा वो नीचे मिलेगी तेरी की, तो भाई नीचे से मिलती है बोट, ठीक है, वहाँ से जग मंदिर जा सकते हो। और अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो वो उसका अलग हिसाब किताब है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है ना भाई बहुत तगड़ा, मतलब कि बोलूँ जो टैक्सी टूक्सी ये वो है ना, वो बहुत महंगा हिसाब किताब है, सबके रेट फिक्स हैं। मतलब लेक में वहाँ उस कोने से लेके इस कोने तक जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए 500 रुपये पर पर्सन, सोच रहे हो
कितना ज़्यादा ले रहे हैं, तो वही चीज़ है। खैर हमें तो वहाँ विजिट नहीं करना, हम जो है मैंने आपको देखो यहाँ की जो फेमस लेक है पिचोला लेक, वो मैंने आपको दिखा दी, बाहर से आपको ताज पैलेस भी दिखा दिया, अंदर तो जाएंगे नहीं, और जग मंदिर वो रहा, ठीक है। अब सिटी पैलेस ये रहा, अब अंदर चलते हैं, म्यूज़ियम देखते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे फ़ोटो के थ्रू। स्टे ट्यून्ड गाइस, चलते हैं अंदर। एंट्री ली हमने ठस्से में, और यहाँ पे जितने भी यहाँ के राजा वाजा थे ना, सबकी यहाँ पे फोटो वोटो लगी हुई है, पूरी डिटेल वहाँ लिखी हुई है। मैंने कहा यहाँ पे ठस्से में वीडियो बना लूँ, वरना फिर कोई वाली बात है, कोई बोल दिया भाई वीडियो वीडियो अलाउड नहीं है, बंद करो कैमरा ये वो, इसलिए मैंने कहा भाई ठस्से में ले लो। तो एंट्रेंस गेट वुट वो वाला मेन हो गया, नीचे से आएंगे तो फिर यहाँ से ऐसे गली सी मुड़ रही है, यहाँ मुड़ना है, ठीक है। पुन्ना भाई आ जाओ, इतिहास जान लो। तो ये है वो पोशाक जो पहन के महाराणा प्रताप लड़ते थे भाई साहब, कम से कम 15 किलो की है, मतलब 14 किलो 640 ग्राम का टोटल इसका वेट रहने वाला है जो कि वो वेयर करते थे। और ये उनकी तलवारें हो गई भाई साहब, और ये हो गई, ये बिकता है यार, मैं बता रहा था ना वीडियो में मोटो व्लॉग में कि ये बिक रहा था, ये चीज़ें बिक रही थी भाई रास्ते में। चलो हम चलते हैं, ये तीर होते थे, क्या बात है। ओके रिपोर्ट है, माइंड योर हेड, बचा के सर को। तो दोस्तों ऐसा है, ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, मतलब ऊपर जाओ थोड़ा सा घूम लो, मतलब जैसे मैं आपको वहाँ से आओगे ना नीचे से ऊपर, तो ऐसे आओगे तो यहाँ पे राइट में आप आओगे, तो यहाँ से फर्स्ट एंट्री लेनी है आपने, यूँ घूम के इस वॉल के पीछे से घूम के ऐसे आना है और ऐसे बाहर निकल जाना है, ठीक है। बाहर आने के बाद आपको वो पेंटिंग दिखेगी, देन उसके बाद फिर नीचे उतरोगे, फिर सामने जाओगे, सामने वैसे घूम के वापसी नीचे आ जाओगे, और कुछ नहीं है भाई साहब। भाई पता 300 रुपये की टिकट है, और जिसके हिसाब से तुम्हें लगा 300 रुपये वर्थ है, नहीं ना, मतलब मुझे वैसे मुझे लग रहा है 100 रुपये तक टिकट समझ में आती है, लेकिन 300 रुपये टिकट ले रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा। इसी गलियों से निकलते हैं हम लोग, जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पर जा रही है गली, कुछ नहीं पता, और मज़ा बहुत आ रहा है जो बात है, मतलब 300 रुपये ज़्यादा तो लिए उन्होंने हमसे, लेकिन ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना फुल पुराने वाला हिसाब किताब पड़ा हुआ है, देखो अभी भी ये देखो बेड देखो इनका, ओए होए वो तो ऐसा लग रहा है असली बंदा बैठा हुआ इधर दिख रहा है, क्या बात है। अंदर देखो वो देखो, तो भाई फुल चोरी छुपे वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, पता है मैं, वरना कलेस हो सकता है। यहाँ पर ब्रज विलास, ये कुछ पुराने टाइम की फ़ोटोज़ वोटोज़ देखो भाई, क्या बात है। नकाशी देखो बहुत बढ़िया, और पुराना सेटअप देखो भाई, यहाँ पर ये लगी है सिगड़ी यानी कि अंगीठी, ठीक है जी, फुल बारबेक्यू नेशन देख रहे हो, और ऊपर का झूमर देखो कितना पुराना है भाई साहब, मतलब पंखा देखो आप, एकदम ओके की रिपोर्ट है जो बात है भाई। फाइनली हमारा जो है ना सिटी पैलेस का टूर जो होता है म्यूजियम वाला, वो होता है ख़त्म। है भाई ख़त्म हो गया सही है, मज़ा आ गया मेरे को, अच्छा लगा। बस ये कि थोड़ा सा 300 रुपये पर पर्सन जो है ना वो ज़्यादा है, 100 रुपये होने चाहिए थे। बाकी अब चलते हैं कहाँ पे,
कार म्यूजियम में, कार म्यूजियम देखेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने एक तरह से कवर कर लिया है सिटी पैलेस, उसका जो म्यूजियम है वो, और भाई जितना वीडियो बना पाया बना ली मैंने, कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में।